हाय गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो देख सकते हैं हम कहाँ पे हैं। फिर कहाँ पे हैं? GFG मॉल है। यहाँ बहुत देख सकते हैं, यहाँ पार्किंग ग्रेवी का। तो गाइस देख सकते हैं अपना भाई बहुत तेज चला रहा है अपाची। राधे राधे भैया, सब लोग राधे राधे बोल रहे हैं। लगता है कोई त्योहार आने वाला है राधे राधे का। वाह, नाइस राधे राधे, नाइस गाइस। तो आपको हम आगे ले चलते हैं, तो आगे की वीडियो आपको दिखाएंगे। तो आपको पहले दिखा दे GFG मॉल कहाँ है, कैसा है, आपको दिखाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं, ये GFG मॉल का पार्किंग है। हम लोग बाहर जा रहे हैं, देख सकते हैं हमारे सामने ही GFG मॉल देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, जीसी भी आ गया सामने हमारे। हम लोग रुक गए यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने GFG मॉल था। हम उससे आगे निकल गए हैं। हमारे भाई लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, थोड़ा हटाए जाने दीजिए, उसे मत ही बताइए। तो भाई हमारा फिर गाड़ी घुमाने के फिराक में है, लेकिन हम अपना ब्लॉग नहीं बंद करेंगे। भाई क्या क्या कर रहा है हम सब ब्लॉग में दिखा रहे हैं आपको। देख सकते हैं अपना भाई गाड़ी चला रहा है। घोसड़ी के हम ब्लॉग में आए, तुम्हारी गांड मार देंगे। ओए ए लाइव टेल पे आते सर, क्या बोलना चाहते हैं आप? हमारी 36,000 जो है परिवार देखेगी यूट्यूब की, क्या कहेगी? ऐसे ऐसे ब्लॉग डालते हैं आप सर, क्या कहेगी? वाओ नाइस। तो आप देख सकते हैं, फिर से घुमाओ गाड़ी, फिर से घुमाया जाए, हमारे ऑर्डर है। क्योंकि हमारा ब्लॉग कम से कम 5-7 मिनट यही बनना चाहिए। वाओ नाइस ब्रो, नाइस फोटो, नाइस ब्रो। देख सकते हैं भाई लोग किसी को भी हाय बाय कह दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं हम ये जिस आगे निकल गए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी जा रहे हैं चौका घाट जा रहे हैं। कुछ भाई को लेना है, देखते हैं क्या घोंघा लेना है भाई। और थोड़ा सा जो है किस बीमारी में काम आता है जी? आग के लिए जो है, रोशनी के लिए बहुत बढ़िया काम होता है घोंघा का। हम घोंघा जब घोंघा के पास पहुंचेंगे गाइस, तो फिर से आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए चौका घाट पुल के नीचे है। यहाँ कितनी ट्रैफिक लगा है, कटवा भी एकदम लग रहा है। हाँ वाह, देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक। भाई अपना गाड़ी एकदम एक नंबर चला रहा है भाई, क्यों ठोके मार। वाह आराम से आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है यहाँ पे। वाह, तो हम लोग घोंघा की दुकान में पहुँचने वाले हैं। हाँ, यहीं पे घोंघा मिलता है, आपको दिखाएंगे घोंघा कैसा होता है। भाई चल घोंघा लेना है भाई को, भाई घोंघा लेना है। इसलिए हम लोग यहाँ चौका घाट पुल पे पहुँच गए हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा, कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक आज है। देख सकते हैं पीपा गाड़ी की आवाज आ रही है, सबको घर जाने के लिए लेट हो रहा है, लेकिन हमें भी घोंघा लेने के लिए लेट हो रहा है, इसलिए हम भी पीपा बजाते हुए आगे निकल रहे हैं। तो ठीक है, आपको आगे दिखाते हैं घोंघा कैसा होता है। ठीक है, तो गाइस फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आप देख सकते हैं मच्छी मार्केट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अनेकों प्रकार की मछलियाँ हैं। ये हमारा मांगुर है, ये हमारा टिंगरा है, ये हमारा झिंगा, इसे झिंगा कहते हैं, ये हमारा रोहू है। देख सकते हैं, भागे जिंदा रहो प्यासे खाने वाले, भागे हो ये लक्कड़ भैया बाहर है। देख सकते हैं यहाँ मच्छी मार्केट कैसे लगा है, जिंदा प्यासी है। देख सकते हैं आप, ले यार भाई, इसमें जो जिंदा रोहू है मस्त स्विमिंग पूल में जी रहा है। यहाँ का नज़ारा आप ही देख सकते हैं, हमारी मच्छी मार्केट का। और आगे चलिए सर, तो आप देख सकते हैं मच्छी मार्केट का नज़ारा ये है। यहाँ पे झिंगवा है, बड़े बड़े रोहू रखे गए हैं, मिल गया। देख सकते हैं
कितने बड़े बड़े रोहू हैं, कितने बड़े पैमाने पे यहाँ रोहू हैं। आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल में ये मच्छी मार्केट का भीड़ है। आप देख सकते हैं ये चौका खास है। तो भाई का घोंगा मिला नहीं तो हम मंडी से बाहर चलते हैं। हम लोग घोंगा लेने आए थे लेकिन मिला नहीं। जो लेने आया वो मिलता नहीं, जो नहीं लेना है वो मनमान दिख रहा है। देख सकते हैं गाइस ये मच्छी मार्केट का हालत है। ये चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, आओ भैया आओ, हमें तो लेना है घोंगा, घोंगा है ये नहीं है यहाँ पे, तो क्या करें। हम मच्छी मार्केट से बाहर चल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रोहू है, ये झींगा है, वहाँ पे तोला जा रहा है रोहू, यहाँ मांगूर है। देख सकते हैं यहाँ पे एक नज़ारा है चौका घाट का। तो आगे आपको बताएंगे क्या होगा गाइस, तब तक के लिए बाय। देखो झिंगा फ्रेश है, तबले पे वैसा चीज है, पता सारे खुद मछली दे पा रखी है। अरे तो झिंगा पहले लसा जल के देख वाला है गाइस। फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आप देख सकते हैं मच्छी मार्केट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अनेकों अनेकों प्रकार की मछलियाँ हैं। ये हमारा मांगूर है, ये हमारा टिंगरा है, ये हमारा झींगा, इसे झींगा कहते हैं, ये हमारा रोहू है। देख सकते हैं यहाँ मच्छी मार्केट कैसे लगा है, जिंदा प्यासी है। देख सकते हैं आप, ले यार भाई, यहाँ से जिंदा रोहू है, मस्त स्विमिंग पूल में जी रहा है। यहाँ का नज़ारा आप ही देख सकते हैं, हमारी मच्छी मार्केट का। और आगे चलिए सर, तो आप देख सकते हैं मच्छी मार्केट का नज़ारा ये है। यहाँ पे झींगा है, बड़े बड़े रोहू रखे गए हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े रोहू हैं, कितने बड़े पैमाने पे यहाँ रोहू हैं। आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल में ये मच्छी मार्केट का भीड़ है। आप देख सकते हैं ये चौका खास है। तो भाई का घोंगा मिला नहीं तो हम मंडी से बाहर चलते हैं। हम लोग घोंगा लेने आए थे लेकिन मिला नहीं। जो लेने आया वो मिलता नहीं, जो नहीं लेना है वो मनमान दिख रहा है। देख सकते हैं गाइस ये मच्छी मार्केट का हालत है। ये चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, आओ भैया आओ, हमें तो लेना है घोंगा, घोंगा है ये नहीं है यहाँ पे, तो क्या करें। हम मच्छी मार्केट से बाहर चल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रोहू है, ये झींगा है, वहाँ पे तोला जा रहा है रोहू, यहाँ मांगूर है। देख सकते हैं यहाँ पे एक नज़ारा है चौका घाट का। तो आगे आपको बताएंगे क्या होगा गाइस, तब तक के लिए बाय। देखो झिंगा फ्रेश है, तबले पे वैसा चीज है, सारे खुद मछली दे पा रखी है। अरे लग पहले लसा जल के देख घोंगा लेने आए थे, मिला नहीं। हम लोग अब वापस जा रहे हैं घर। देख सकते हैं हमारा भाई लोग घोंगा लेने आए थे, मिला नहीं। काफी ज्यादा मायूसी के साथ हम लोग वापस हो रहे हैं। झिंगा मिला, अदर अदर मछली सब मिल रही थी लेकिन घोंगा नहीं मिला। देख सकते हैं अब फिर से हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। तो आपको आगे क्या होगा हम आपको अपनी अगले ब्लॉग में बताएं, अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय। गाइस देख सकते हैं हम अदली बाज़ार पहुंच गए हैं। अदली बाज़ार का हमारा बाज़ार है, यहाँ भी ट्रैफिक बहुत तगड़ा है, ट्रैफिक बहुत तगड़ा है। तो भाई गाड़ी धीरे धीरे चला रहा है, आप देख सकते हैं आराम से भाई, आराम से।
तो गाइस भाई लोग का प्लान बन रहा है कि अंदर जाएं, लेकिन भाई का प्लान नहीं बन रहा है तो आगे चल रहे हैं। तो देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक, गांव फाट ट्रैफिक एकदम। चलो भाई चलो चलो भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, कई स्पॉट देख सकते हैं। करीबन 8 बजे का ट्रैफिक है ये। पी पा का आवाज चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक 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 से खूबसूरती भी देखने को मिल रही है गाइस। तो देख सकते हैं हाँ, हमारे वहाँ पे हमारे सर ट्रैफिक को हैंडल कर रहे हैं कि इस तरफ जाइए उस तरफ जाइए, लेकिन हमें जाना है सीधे, हम तो सीधे ही जाएंगे, उनकी बात तो मानेंगे नहीं। तो करवा चौथ का त्यौहार बहुत नज़दीक है, इसलिए और ज़्यादा मार्केट में भीड़ है। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं वाह नाइस छननी नाइस, क्या क्या बिक रहा है सब, वाह वाह गाइस वाह। तो आप देख ही सकते हैं अतली बाजार का काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, वाह। शायद अगर करवा चौथ ना होता तो इतनी ट्रैफिक नहीं मिलती। तो आप देख सकते हैं भाई हमारा कितना धीमे धीमे गाड़ी चला रहा है, किसी भी माँ बहन को टच नहीं होना चाहिए गाड़ी भाई, क्योंकि उनका त्यौहार है, अगर चोट लग जाएगी तो कैसे होगा। देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है, वाह कितनी भव्य तरीके से सजाया गया है हमारी अदली बाजार को। तो देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं जो गेट लगाए और नवरात्रि गेट लगा था, अभी उखड़ा नहीं है, उखड़ा नहीं है, अभी उखाड़ रहे हैं भाई साहब हमारे। ठीक है गाइस, आगे जो होगा हम बताएंगे, तब तक के लिए बाय। देख सकते हैं हम लोग गिलट बाजार पहुंच गए हैं भाई, आराम से आराम से भाई, एक लोग तभी उड़ा देता भाई, अपना राइडर है देख सकते हैं भाई, अपना गाड़ी चला फोन से पति आती बेटा, एक नंबर गाड़ी चलाता है भाई अपना। गिलट बाजार पहुंचने वाले हैं, देख सकते हैं क्या है, 30 दिन ट्रैफिक के कारण बहुत धीमा चल रहा है गाड़ी आज, गांव फाट ट्रैफिक है बनारस में करवा चौथ के अवसर पे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दुकान सजाया गया है, वाह वेरी वेरी नाइस, भाई अपना बहुत फालतू बोलता है, अभी छोटा है, समझदारी क्रॉस कम है, साला पढ़ा लिखा भी कम है ना, 8 फेल है 2 बेरी उखड़ी वाला पुटैया देख लीजिए, हमारा बाप लग रिश्ते तो हमारा बाप लगता है, लेकिन बहुत छोटा है, नट्टी बॉय है उखड़ी वाला एकदम। तो गाइस गाड़ी देने के लिए सॉरी, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है, इतना चलता है। देख सकते हैं हम लोग गिलट बाजार बाईपास पहुँचने वाले हैं, वाह देख सकते हैं हम गिलट बाजार बाईपास पहुँचने वाले हैं। तो भाई यहाँ समा जाना ट्रैफिक पुलिस तुरंत तक खर्रा थमा देगी चलान काट के। हाँ यहाँ पे वाराणसी में अमित शाह आए तो सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही आज टाइट है, आप देख सकते हैं कितने पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे गिलट बाजार बाईपास पे, देख सकते हैं गाइस, जरा सी मिस्टेक हुई तुरंत खर्रा थमा जाएगा हाथ में, हमारा चलान हो जाएगा, हमारे बाप जी बोलेंगे जाओ छोड़ा कर लाओ, कहाँ छुड़ाएंगे। सब लोग जौनपुर साइड मुड़ रहे हैं, चलो चलो भाई चलो। तो आप देख सकते हैं वाव नाइस, तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय गाइस।